जब भी हमें वेट लॉस करना होता है तो एक ऐसी चीज़ जो हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि स्किप करने से हम बहुत इजीली वेट लॉस करेंगे लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं थ्री अमेजिंग ब्रेकफास्ट रेसिपीज तो जब भी हम अपना वेट लॉस कर कर रहे होते हैं 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 हम हम सोचते हैं कि अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत इजीली वेट लॉस करेंगे लेकिन ऐसा नहीं होता तो मैं आपको यही बोलूंगी कि ब्रेकफेस्ट अपना कभी भी आपने स्किप नहीं करना कभी भी मिस नहीं करना बल्कि ब्रेकफेस्ट आपको सबसे हेवीएस्ट मील रखना है दिन में और ऐसा होना चाहिए जो हेल्दी भी है और पूरे दिन आपको बहुत सारी एनर्जी देता है तो आज मैं आपके लिए ऐसे तीन ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस लेकर आई हूँ जो आपको पूरे दिन एनर्जेटिक रखेंगे बहुत देर तक आपको फुल रखेंगे आपको भूख नहीं लगेगी और ऐसे ब्रेकफास्ट हैं जो आपको अमेजिंग वेट लॉस करने में भी हेल्प करेंगे तो सबसे पहले चलते हैं मेरे किचन में और देख लेते हैं कि मैं अपने थ्री वेट लॉस ब्रेकफेस्ट किस तरीके से बनाती हूँ ओट्स चीला बनाने के लिए सबसे पहले ओट्स को रोस्ट कर लेना है एक पैन को हीट कर लिया है मैंने और यहाँ पे हाफ कप इंस्टेंट ओट्स ले रही हूँ मैं इसको हम रोस्ट कर लेंगे बहुत अच्छे से फ्लेम हमारी लो टू मीडियम रहेगी और ओट्स को हम स्टर करते रहेंगे जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए और इसमें से थोड़ी थोड़ी खुशबू ना आने लगे ओट्स हमारे बहुत अच्छे से रोस्ट हो गए हैं देखिए लाइट ब्राउन हो गए हैं और इसमें से थोड़ी थोड़ी खुशबू आने लगी है इसको एक बोल में ट्रांसफर कर रही हूँ मैं थोड़ी सी सूजी यानी कि सेमोलेना डाल रही हूँ थोड़ा सा बेसन यानी कि ग्राम फ्लॉर थोड़े से चॉप टमाटर चॉप कैप्सिकम डाला है मैंने चॉप डानियन डाल रही हूँ चॉप गार्लिक डाल रही हूँ लहसन अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हो चॉप्ड ग्रीन चिली डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी थोड़ा सा गर्म मसाला थोड़ा सा सॉल्ट थोड़ा सा रेड चिली पाउडर अब थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर और सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे हम अब ये चीले का बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है इसको 10 मिनट्स के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे अब इसमें थोड़ा सा मैं धनिया के पत्ते यानी कोरिएंडर लीव्स डाल रही हूँ इनको मिक्स कर देंगे हम पूरे बैटर में चीला बना लेते हैं हम पैन हमने हीट कर लिया है और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसके अंदर बिल्कुल ज़रा सा इसको हम स्प्रेड कर देंगे ब्रश से पूरे पैन के ऊपर अब ये हमारा चीले का जो बैटर है ये हम स्प्रेड कर देंगे पैन के ऊपर इस तरीके से हमें स्प्रेड करना है चीले का बैटर हमने बहुत अच्छे से स्प्रेड कर दिया है अब इसको कुक होने देते हैं एक साइड से पैन को लिड से हम कवर कर देते हैं ताकि चीला हमारा बहुत अच्छे से कुक हो जाए लिड हटाकर चेक कर लेते हैं इसको फ्लिप करके देख लेते हैं चीला हमारा एक साइड से बहुत अच्छे से कुक हो गया है इसको हम दूसरे साइड से भी कुक होने देते हैं दोनों साइड से चीला बहुत अच्छे से कुक हो गया है सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है अब इसको हम सर्व कर रहे हैं थोड़ी सी दही के साथ सर्व कर रही हूँ आप इसको घर की बनी हुई चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा टेस्टी है ये प्रोटीन रिच है फाइबर रिच है बहुत ही क्विकली बन के रेडी हो जाता है और वेट लॉस के लिए अमेजिंग है बहुत देर तक आपको फुल भी रखेगा ये और ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस भी है अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो ऐसे एक या दो चीले अपने ब्रेकफास्ट या फिर लंच में खा सकते हैं और अगर आप वेट मेंटेन कर रहे हैं तो आप इसको अपने डिनर में भी खा सकते हैं बहुत अमेजिंग वेट लॉस देगा ये आपको अपना हाई प्रोटीन मिक्स दाल डोसा बना रहे हैं हम सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया है और यहाँ पे मूंग धुली दाल ले ली है मैंने स्प्लिट येलो लेंटल दो स्पून डाल दूंगी मैं बोल के अंदर अब मैं ले रही हूँ मसूर की दाल यानी कि रेड लेंटिल दो स्पून यहाँ पर ये भी डाल दूंगी मैं अब मैंने ले ली है अरहर या तुअर दाल जिसको हम पिजन पी भी बोलते हैं इसको भी मैं टू स्पून ले रही हूँ अब मैं ले रही हूँ चना दाल यानी कि स्प्लिट चिकपी लेंटिल दो स्पून ले लिया है मैंने अब दो स्पून में यहाँ पे व्हाइट राइस डाल रही हूँ चावल आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हो अब इसके अंदर पानी डाल देंगे और इन सब चीजों को बहुत अच्छे से हमें वॉश कर लेना है अराउंड थ्री टू फोर टाइम्स हम इसको वॉश कर लेंगे वॉश करने के बाद दाल को हमें सोक करके रखना है फोर आवर्स टू ओवर नाइट हम इसको सोक करके रख देंगे इसको फोर आवर्स तक मैंने अच्छे से सोक कर दिया है अब इसका सारा का सारा पानी हम ड्रेन कर देंगे तो मैंने एक सीव ले ली है छन्नी और सारा का सारा पानी हम इसमें से निकाल देंगे बहुत अच्छे से अब मैंने ले लिया है एक ब्लेंडर जार और ये जो सोग दाल और राइस है हमारे इसको मैं जार के अंदर डाल दूंगी और इसको हमने बहुत ही फाइन पेस्ट बना लेना है तो इसको बहुत अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे और क्योंकि ये सोग्ड है तो ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गया है इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जिंजर यानी कि अदरक थोड़ी सी ग्रीन चिली डाल रही हूं मैं यहाँ पे हरी मिर्च चॉप्ड अनियन डाल रही हूँ मैं जार के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे हम इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डालेंगे अराउंड टू स्पून के जितना जार की लिट क्लोज कर देंगे और इसको हम ब्लेंड कर देंगे बहुत अच्छे से हमने ब्लेंड कर ली है सारी चीजें इसको देख लेते हैं बहुत ही फाइन और स्मूथ पेस्ट बन गया है ये ये रेडी हो गया है हमारे डोसा का बैटर ना ये बहुत ज्यादा थिक है और ना ही बहुत ज्यादा वॉटरी है इसको एक बोल में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे और अब इसका हम डोसा बनाएंगे हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है अब हम डोसा बनाएंगे मैंने यहाँ पे एक तवा हीट कर लिया है ये कास्ट आयरन पैन है आप ये भी ले सकते हैं नॉर्मल तवा भी ले सकते हो या नॉन स्टिक भी ले सकते हैं इसको मैंने अच्छे से हीट कर लिया है थोड़ा सा पानी डाल के एक कपड़े से पोच लिया है इसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया है अब मैं इसके ऊपर डालूंगी डोसा का बैटर और इसको बहुत अच्छे से हमें स्प्रेड करना है ध्यान रखना है कि ये बीच में से टूटे नहीं तो इसको बहुत स्लोली और ग्रेजुअली हम सर्क्यूलर मोशन में स्प्रेड कर लेंगे जितना पतला हम इसको कर सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा मैं यहाँ पे देसी घी डाल रही हूँ अराउंड हाफ टी स्पून मेल्टेड देसी घी है ये जब ये इस साइड से थोड़ा कुक हो जाएगा तब हम इसको धीरे धीरे पैन के ऊपर से निकालेंगे तो हर साइड से हमें इसे ग्रेजुअली और बहुत आराम से निकालना है ताकि डोसा हमारा टूटे नहीं डोसा हमारा बहुत अच्छे से कुक हो गया है इसको हम एक ही साइड से कुक करेंगे ताकि ये क्रिस्पी रहे अब इसको हम फोल्ड कर देंगे और इसको सर्व कर देंगे हम प्लेट में ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है डोसा हमारा बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए ऐसे एक या दो डोसा आप अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं मैंने यहाँ पे चटनी के साथ सर्व किया है आप इसको चटनी या सांभर के साथ सर्व कर सकते हो और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है वेट लॉस के लिए बहुत अमेजिंग है हम बना रहे हैं अपना यमी सा बेसन टोस्ट और सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है हाफ कप बेसन यानी कि ग्राम फ्लॉर इसको मैं एक बोल में डाल दूंगी अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट यानी कि नमक अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमको पानी ऐड करना है और इसका एक बैटर बनाना है इसको साथ के साथ हम मिक्स करते जाएंगे ये हमारा बैटर बन के बिल्कुल रेडी हो गया है अब ये कंसिस्टेंसी हमको चाहिए अब एक पैन को हमने हीट कर लेना है और यहाँ पे मैं वन स्पून ऑयल डाल रही हूँ इसके अंदर ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चॉप्ड अनियंस यानी कि प्याज थोड़े से पीज यानी कि हरे मटर फाइनली चॉप्ड कैरेट यानी कि गाजर अब डाल देंगे फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च थोड़ा सा स्वीट कॉर्न डालेंगे यहाँ पे वन या टू स्पून के आसपास थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे इसके अंदर अब इन सब वेजिटेबल्स को थोड़ा सा सोटे कर लेंगे थोड़ा कुक कर लेंगे आपके घर पे जो भी वेजिटेबल्स इजीली अवेलेबल हैं, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं ये जो हमने बेसन का बैटर बनाया था उसके अंदर हम अपनी वेजिटेबल्स डाल देंगे आप देख रहे हो वेजिटेबल्स मैंने बहुत ज्यादा कुक नहीं करी हैं बहुत थोड़ी सी कुक करनी है ये अब इन सब चीजों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे बेसन के साथ हमारी बेसन की फिलिंग बनकर बिल्कुल रेडी है अब अब हमने ले लिया है यहाँ पे एक स्लाइस ब्रेड आटा ब्रेड या होल व्हीट ब्रेड हमें यहाँ पे लेनी है अब इसका जो बीच का पार्ट है वो हम कट करके निकाल देंगे इस तरीके से हमें कट करना है बहुत ज्यादा कॉर्नर या बहुत ज्यादा एंड तक हमको नहीं लेके जाना इसके बॉर्डर हमें थोड़े से थिक रखने हैं इस तरीके से चारों साइड्स पे हमने कट्स लगा दिए हैं और जो बीच का पार्ट है इसको हम निकाल देंगे तो ब्रेड के इस पार्ट से हम बनाएंगे अपना बेसन टोस्ट और ये जो बीच का पार्ट है इससे आप सैंडविच बना सकते हैं अब हम पैन को हीट कर लेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा हम यहाँ पे ऑयल डालेंगे अराउंड हाफ टी स्पून के आसपास और अपनी ब्रेड को हम पैन के ऊपर रख देंगे और ये जो हमने बेसन का बैटर बनाया था वेजिटेबल्स के साथ इसको हम ब्रेड के बीच में फिल कर देंगे अच्छे से अराउंड टू स्पून के आसपास बस अब इसको हम कुक होने देंगे आप चाहें तो पैन को लिड से कवर करके भी इसको कुक कर सकते हैं तो ये जल्दी कुक हो जाएगा अब ये एक साइड से कुक हो चुका है इसको हम फ्लिप कर देते हैं दूसरी साइड पे इसको हमने फ्लिप कर दिया है एक साइड से ये बहुत अच्छे से कुक हो गया है दूसरे साइड से भी हमें ऐसे ही इसको कुक करना है पैन को हम एक लिड से कवर कर देते हैं ताकि ये जल्दी से कुक हो जाए लिड हटाकर चेक कर लेते हैं टोस्ट हमारा दोनों साइड से बहुत अच्छे से कुक हो गया है सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है ये इसको मैंने घर की बनी हुई ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है ऐसे एक या दो टोस्ट आप बहुत इजीली अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं अगर आप वेट लॉस कर रहे हो अगर आप वेट मेंटेनेंस पर हैं तो इसको आप अपने डिनर में भी ले सकते हैं तो ये हमारे सुपर क्विक सुपर इजी सुपर टेस्टी वेट लॉस के लिए अमेजिंग तीन ब्रेकफास्ट की रेसिपीज तो गाइज मैं हमेशा आपको यही बोलती हूँ कि अपना ब्रेकफास्ट आपने कभी भी स्किप नहीं करना बिल्कुल टाइम पर लेना है क्योंकि अगर आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हो तो वेट लॉस तो बिल्कुल नहीं होगा साथ में पूरा दिन आप लो इन एनर्जी रहेंगे काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे आपका मेटाबॉलिज्म रिड्यूस हो जाएगा और अगर आप ब्रेकफास्ट में नहीं खाओगे ना तो फूड ही घूमता है तो, तो इसीलिए कोई भी मील स्किप नहीं करना सबसे इंपॉर्टेंट है उसको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना क्योंकि ओवरनाइट हम फास्टिंग पे होते हैं और हमारा जो ब्रेकफास्ट होता है वो खाते ही हम बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं फुल हो जाते हैं अपना काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं काम पर फोकस कर पाते हैं और हमारा वेट लॉस भी बहुत अच्छा होता है हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो पूरे दिन बहुत अच्छा रहता है तो मेरी ये तीन ब्रेकफास्ट रेसिपीज अगर आज आपको अच्छी लगी हो मेरी आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो उसको लाइक like जरूर करना अपने बहुत सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करना अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भैया फटाफट से कर लो सब्सक्राइब क्योंकि इतनी अमेजिंग रेसिपीज आपको और कहाँ मिलेंगी सिर्फ मेरी ही चैनल पर मिलेंगी और मैं आपके लिए बहुत सारे डाइट प्लान भी लेकर आती रहती हूँ जो आपको वेट लॉस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं अगर आप ट्विटर पर हैं इंस्टाग्राम पर हैं तो वहां पर जरूर मुझे फॉलो करिए मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में तब तक टू चैनल, बाय फॉर नाउ